अनुभव बांटने के लिए ही होते हैं। डेविड राजा बेउला के पास तो बहुत अनुभव हैं। उन्होंने तमिलनाडु के कृषि विभाग में उपनिदेशक के तौर पर कई साल काम किया है। उस दौरान वे गरीब किसानों से मिला करते थे। ये इलाका देश में आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा वंचित इलाकों में से है। अक्सर किसान यहाँ कर्ज के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। जब मैं गांवों का दौरा करता था तो किसान बताते थे कि आमदनी बहुत ही कम है, इसीलिए कर्ज चुकाना मुश्किल है। कुछ मामलों में तो कर्ज न लौटा पाने की स्थिति में कुछ किसानों ने आत्महत्या तक कर ली। बेउला ने बदलाव लाने के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल किया। शुरुआत में उनका सामना दो बड़ी समस्याओं से हुआ, कीटनाशकों पर निर्भरता और पानी की किल्लत। दोनों चीजें किसानों को और कर्ज में धकेल रही थीं, जबकि वे पर्याप्त पैदावार के लिए जूझ रहे थे। किसानों को पानी का बजट भी रखना चाहिए। पानी की समस्या को ही देखें, बेउला ने सेंथिल नाम के किसान से बात की जो गहरे कर्ज में थे और नई चीजें करने को तैयार थे। उन्होंने सूखे से निपटने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक उपकरण तैयार किया। इससे पानी, बिजली और पैसे तीनों की बचत हुई। बरसात 3 महीने देरी से हो तो तब पानी और फसलों को बचाना जरूरी होता है। 200 लीटर के टैंक में यहाँ पानी जमा किया जाता है, उसमें नारियल के रेशे मिलाए जाते हैं और फिर उसे फसलों पर छिड़का जाता है ताकि फसल बच सके। सौर पैनल के जरिए वे दूसरी समस्या से भी निपट पाए हैं। कीड़ों को काबू में रखने के लिए मैंने सौर ऊर्जा का एक लाइट ट्रैप भी बनाया है जो रात में जलता है। इसमें लगी प्लेट में हम शैम्पू के साथ कुछ पानी मिलाकर रख देते हैं और उसमें कीड़े फंस जाते हैं। खेतों में लगे लाइट ट्रैप फसल को बचाने के लिए कुदरती पेस्टिसाइडों की तरह काम करते हैं। थोड़े समय के लिए ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में जैव विविधता का नुकसान खेती के लिए बहुत बुरा है। लिहाजा और भी कुछ किए जाने की जरूरत थी, और इस बार साथ मिलकर वे जो बदलाव लाए उसमें एक बड़ी संभावना थी, डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। बारिश पर पूरी तरह निर्भर रहने वाले उड़द दाल सरी की फसल की बजाय वे देसी सब्जियां और फलियां उगाने लगे और पशुपालन भी करने लगे। किसानों को नई फसलों पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, उन्हें लाभकारी फसलों को बढ़ाने के लिए और कम फायदे वाली फसलों को कम से कम रखने के लिए बाजार का रुख करना होगा। बेउला ने सेंथिल को यही चीजें आजमाने की सलाह दी। सेंथिल मूंग उगा रहे थे उस खेत पर जहां सिंचाई की सुविधा नहीं थी। अगर बारिश ना हो तो आप सब कुछ गंवा बैठते हैं, लेकिन उनके पास काजू के पेड़ भी थे, उनके पास मुर्गियां भी थीं, तो उन्होंने अतिरिक्त आय के लिए मुर्गियों की संख्या बढ़ाने का तरीका खोजा। साल के आखिर में देखा तो उन्हें 3.5 लाख का फायदा हुआ। सेंथिल के पास जो था उन्होंने उससे काम निकाला। पोल्ट्री के कचरे को काजू के पेड़ों और दूसरी फसल के लिए खाद की तरह इस्तेमाल किया। उनकी उत्पादकता बढ़ गई। जल्द ही आसपास के 10 गांवों के किसान भी यही तरीका अपनाने लगे। मैं जो अगला कदम आजमाने वाला हूं वो जैविक खेती का है। इसमें केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं होगी। केमिकल महंगे होते हैं और बीमार करते हैं। मैं किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़कर सशक्त बनाना चाहता हूं। सेंथिल अब सामुदायिक बैठकों में भी अपनी कहानी सुनाते हैं। इससे खेती में फायदा भी होता है और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ी कोशिशें भी मजबूत होती हैं।